Welcome back. In this particular video, we are going to solve a case study based question for unit 3, that is introduction to computer network. And इस case study में हम 5 different questions को solve करेंगे. This video can be helpful for all those students who are learning computer science or information practice of grade 12. What I am following is one case, one video, where I'll discuss and solve only one case in one video. And similarly make different videos for different case studies. And so this is part number 1, or we can say case study number 1. So let's see what's the case and how can we solve it. Now here it is saying that Indian Petrol Limited is planning to spread their office in 4 major cities in India to provide petroleum support across the country. The company has planned to set up their head office in Delhi as front office, back office and work office. The company has 3 major regional offices as south office, east office and west office located in other 3 major cities of India. You can see here, Delhi mein hamara main setup hai Indian Petrol Limited ka, jahan pe 3 usne office ready kiye hain, front office, work office and back office. And iske alawa iske other regional offices alag alag cities mein hain, major cities mein hain, west office, south office and east office ke naam se. ये जितने भी ऑफिसेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन है इस टेबल में. यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस इज 10 किलोमीटर. सिमिलरली बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर का है. बैक ऑफिस एंड ईस्ट ऑफिस आर फार फ्रॉम ईच अदर बाय 890 किलोमीटर. एंड सिमिलरली बैक ऑफिस एंड वेस्ट ऑफिस जो है उनके बीच में 1280 किलोमीटर है. एंड बैक ऑफिस साउथ ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 1870 किलोमीटर है. एंड एट द सेम टाइम ये जितने भी डिफरेंट ऑफिसेस यहाँ पे इंडियन पेट्रोल लिमिटेड सेटअप करने जा रहा है, हर एक ऑफिस में उसने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का भी प्लान किया हुआ है कि कितने उसके नोड्स होंगे. सो बैक ऑफिस में सबसे ज्यादा 120 है, फ्रंट ऑफिस में 30 है एंड बाकी जितने भी ऑफिसेस हैं उनमें ऑब्वियसली 70 सब में उसने डाला हुआ है. नाउ बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव सम क्वेश्चंस. लेट्स सी ये सारे क्वेश्चंस क्या है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. Here it is saying that suggest network type for connecting each of the following set of their office. यहाँ पे back office और work office के बीच का जो हमारा computer network हम setup करेंगे वो किस type का होगा वो हमें बताना है. Similarly back office and south office के बीच में जो computer network होगा, in the sense इसके बीच में जो हम computer network establish करेंगे वो किस type का होगा. Now हम जानते हैं कि जब हम different types of computer network की बात करते हैं तो most of the time we know that LAN is there, MAN is there and WAN is there. इसके अलावा हम पर्सनल स्पेस में पैन भी बना सकते हैं, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो बेसिकली डिफरेंट से गैजेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. बट मेनली वी कंसीडर दीज 3, लैंड मैन एंड वैन, जहां पे लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया. और यहां पर इन तीनों के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है या जो हम डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करता है उनके एरिया का साइज क्या है. सो लोकल एरिया के जनरल जो साइज होता है वो 10 टू 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हम कंसीडर कर सकते हैं. उससे ज्यादा होने पर हम वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्पेशली हम एक सिंगल सिटी में होते हैं तब हम कंसीडर कर सकते हैं. नाउ यहां पर ये बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच के नेटवर्क की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली जब आप इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं दिस इज 100 मीटर. सो वी कैन सिंपली से दिस विल बी लोकल एरिया नेटवर्क. और जब आप बैक ऑफिस एंड साउथ ऑफिस की बात करते हैं सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 187 किलोमीटर, आई मीन 1870 किलोमीटर. सो वी कैन से यहां पर हम एस्टैब्लिश करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ सपोज दैट कि अगर कोई दो ऑफिस होते ए और बी और उनके बीच का डिस्टेंस होता से फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर और ये सिर्फ एक ही सिंगल सिटी में होते तो वहां पर हम बोल सकते थे इनका जो नेटवर्क टाइप होता वो मैन होता. हो सकता है वहां पे आप वाइड एरिया नेटवर्क को भी कंसीडर कर सकते थे बट चूंकि यहां पे डिफरेंट सिटीज की बात हो रही है इसलिए हमने वाइड एरिया नेटवर्क को यहां पे सिलेक्ट किया है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच डिवाइस यू विल सजेस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ऑफ देयर ऑफिस आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस. मतलब ये जितने भी इंडिविजुअल ऑफिस हैं इन सारे ऑफिसेस के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के दौरान इनमें से किस डिवाइस की हमें जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विद इन ईच ऑफ देयर ऑफिस. इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं जो डिवाइस हम यूज करेंगे दैट विल बी स्विच एंड हब. द रीजन इज क्वाइट सिंपल बिकॉज जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो हब हो सकता है या स्विच भी हो सकता है. बेसिकली स्विच की बात हम तब करते हैं कि सपोज मल्टीपल लेयर्स पे या मल्टीपल फ्लोर्स पे आपके नेटवर्क्स हैं और इन नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है उस दौरान हम स्विच की जरूरत पड़ती है. सो ओवरऑल बोथ दिस कैन बी यूज्ड
यू कैन से विद इन ईच ऑफ देयर ऑफिस टू एस्टैब्लिश यू नो कंप्यूटर नेटवर्क। जहां तक बात है मॉडेम और टेलीफोन की, तो ऑब्वियसली अगर ये थ्रू नेट अगर हम डिफरेंट एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करते विद इन आवर नेटवर्क, तब हम वहां पे मॉडेम या टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते थे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम यू विल सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी फॉर कनेक्टिंग देयर लोकल ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली फॉर वेरी इफेक्टिव एंड फास्ट कम्युनिकेशन। नाउ यू सी कि यहां पर ये लोकल स्पेस में अगर आप देखें दिल्ली के, तो देर आर थ्री डिफरेंट ऑफिसेस। इन सभी को यदि हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम इन तीनों मीडियम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट इट इज सेइंग दैट द वेरी इफेक्टिव एंड द फास्ट कम्युनिकेशन। सो जब आप कंपेयर करेंगे इन तीनों केबल्स को, तो यू विल सी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है दिस इज द फास्टेस्ट वन। सो वी कैन से हम इन तीनों ऑफिस को अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा तेज कम्युनिकेशन इनमें होना चाहिए, इन सबके बीच में स्टैब्लिश होना चाहिए, तो इसके लिए हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द answer of this particular question. Let's move to the next question now. Now here it is asking that suggest cable routing layout for connecting the company's local offices located in Delhi for connecting the company's regional offices, east office, west office and south office with office located in Delhi. In the sense, हमारी इस कंपनी के जितने भी डिफरेंट ऑफिसेस हैं इन्हें आपस में हमें कनेक्ट करना है, इनके बीच में हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है और इसके लिए हमें सबसे बेस्ट लेआउट प्लान करना है। नाउ बेस्ट लेआउट प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑफिस है जो हमारे लिए सेंट्रल लोकेशन का काम करेगा, या हम ये कहें कि जो बेस्ट हो सकता है एक इफिशियंट कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में। सो अगर आप इन सारे ऑफिसेस में नंबर ऑफ कंप्यूटर को कंसीडर करें, तो यू विल सी कि हमारे बैक ऑफिस में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, दैट इज 120 इन कंपैरिजन ऑफ अदर ऑफिसेस। सो इट मींस दैट हम हमारे बैक ऑफिस को सेंट्रलाइज्ड लोकेशन या सेंट्रल लोकेशन मानेंगे। इसे कंसीडर करते हुए बाकी सारे ऑफिसेस को हम इस बैक ऑफिस से कनेक्ट करेंगे। सो वी विल सी दिस विल बी लाइक दिस। यहां से मैं सारे ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। सो अब आप समझ सकते हैं कि हाउ वी कैन रेडी और मेक द लेआउट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस विल बी यू कैन से द स्टार टोपोलॉजी जिसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो बैक ऑफिस को जब हम यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन रेडी करेंगे या यहाँ पे हम सर्वर को अपने लोकेट करेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होने की वजह से ये सबसे ज्यादा इफिशियंसली वर्कआउट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस कैन बी द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमने अपने सर्वर के लिए एस्टैब्लिश किया बैक ऑफिस को, और उसका जो रीजन था दैट वाज फर्स्ट सेंट्रल लोकेशन, नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड इफिशियंसी। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप डिसाइड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि बैक ऑफिस विल बी द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप आपको ये केस स्टडी मदद करेगा आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो इसी होप के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, एंड ऑब्वियसली नए सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे एक और कंप्यूटर नेटवर्क के केस स्टडी को। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।